हाँ तो बच्चों, अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेते हुए चल रहा है और कॉन्सेप्ट का नाम है कॉर्नर पोर्टफोलियो। लिख लो, थोड़ा अजीब सा लगेगा। नाम लिखोगे कॉर्नर पोर्टफोलियो। एक्चुअल में इसका एक ही क्वेश्चन है जो आया हुआ है और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में भी डला हुआ है। अभी जस्ट पढ़ा हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियो, तो इसको पढ़ने में मुझे पढ़ाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। दिस इज कॉर्नर पोर्टफोलियो। पर कॉर्नर पोर्टफोलियो क्या है ये बाद में समझने वाली बात है। इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ इक्वेशन यूज हो रही है, दिस इज क्रिटिकल लाइन या फिर लीनियर इक्वेशन। सर ये क्या चीज़ है? बस कुछ नहीं बेटे, इक्वेशन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। फिर मैं आपको इक्वेशन समझा दे रहा हूँ। इट मीन्स मुझे आपको सबसे पहले जो समझाना पड़ेगा वो समझाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। सर इसका क्या यूज है बेटे? बाद में ऑटोमेटिक आपको सारी बातें समझ में आएगी कि पोर्टफोलियो में कहाँ यूज होने वाला। बस आराम से समझ लो, लीनियर इक्वेशन या फिर आपके प्रैक्टिस मैनुअल में लिखा है दिस इज क्रिटिकल लाइन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूं बस उसको सुनना आराम से। मैं मान के चल रहा हूं कि दो स्टॉक। सर स्टॉक का नाम है एक्स और वाई, और दोनों के मैं रिटर्न बता रहा हूं आपको। ईयर फर्स्ट ईयर में 15% रिटर्न कमाया था और सेकंड ईयर में 18% रिटर्न कमाया। 15% 18%। पर स्टॉक वाई में क्या हुआ? स्टॉक वाई में मान लो फर्स्ट ईयर में 22% रिटर्न था और सेकंड ईयर में 28%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सर इन दोनों के बीच में कोरिलेशन दिख रहा है? हाँ जी, कोरिलेशन दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये 15% से कितना हुआ? 18%। तो ये 22 से कितना हुआ? 28। बीटा में ये सारी चीज़ें वैसे भी हमको पढ़ना। इट मीन्स मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। एग्जैक्टली। और सुनो, अगर ये 3% से बढ़ा है, 3% 15 से 18, तो ये कितने परसेंट से बढ़ा? 6%, सीधा डबल से। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ मान लो बेटे ये आया 20% थर्ड ईयर में, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितना आएगा? या तो कॉमन सेंस लगाओ या तो मैं इक्वेशन बता रहा हूं। सर कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे कॉमन सेंस लगाओगे? सोचो। सर ये 3 से बढ़ा तो ये 6 से, मतलब सीधा डबल होता है, है ना? तो सर ये 2 से तो ये 4 से, तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 32%। क्या हम सही है? यस। बस यही 32% निकालने के लिए मैं कोई इक्वेशन का यूज करूंगा, कोई लाइन का यूज करूंगा। दिस इज क्रिटिकल लेयर। और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन पता नहीं आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको मैं यूज करना सिखा रहा हूं। सर ये क्या होता है? मैं इन दो इक्वेशन को यूज करूँ, दिस इज सिमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू मैं कुछ सॉल्व करूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ऑटोमेटिक बात समझ में आएगी। वाई कितना दिख रहा है? 22%, तो मैंने यहां लिखा 22%। सर एम क्या है? पता नहीं, वो ऑटोमेटिक समझ में, दिस इज स्लोप, समझ में आ जाएगा। मैं स्लोप बोलूंगा ना तो वो पता नहीं क्या चीज है एम। और एक्स मालूम है कि एक्स सर 15 है। अच्छा, तो 15 एम लिख सकते हैं कि सर? हाँ, एक्स एक्स को मैं लिख रहा 15, एम को एम, और सर सी क्या है ये भी नहीं मालूम। दिस इज इंटरसेप्शन पॉइंट होता है, पर ये भी आपको समझ में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर 22% को थोड़ा सा हटा दें क्या? यस, ये अच्छा नहीं लगेगा, परसेंटेज मैंने हटा दिया। अब दूसरे इक्वेशन, वाई कितना है? 28। एक्स कितना है? 18। एम प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हम भी जानते हैं सी से सी कैंसिल। इधर कितना आया? 6। इधर कितना आया? 3 एम। तो
एम इज इक्वल टू 6 बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। सर क्यों टाइम पास किए जबरदस्त? सर ये दिस इज स्लोप की चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। यस ये 2 क्या है, दिस इज डबल स्लोप बोलते स्लोप। इसका मतलब ये है कि अगर x जितने से चेंज होता है उससे डबल चेंजेस किस में होता है, y में। मैं इस इक्वेशन को यूज ना करूं, सीधा बोल दूं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, आंसर आ जाता। हाँ पर फिर भी अब मुझे m की वैल्यू मिल गई। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ m की वैल्यू, देखते क्या आता है। चलो 22 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 22 इज इक्वल टू 30 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू 8, लेकिन 8 में किसका साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। ठीक है ओके सर, इतना तो मैं सबको आता है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनी, अगर ध्यान से देखो तो हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू, अगर मुझे y, यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, अगर मुझे y निकालना है तो m तो हमारा निकल गया 2, मल्टीप्लाई किससे कर देना x माइनस, ये प्लस होना चाहिए पर माइनस का साइन, माइनस क्या कर दोगे 8। दिस इज इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन को मैं यहां यूज करने वाला हूं, जब जब भी मुझे y निकालना पड़ेगा मैं इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा। इसका मतलब है कि सर करके बताओ, सपोज यहां x है 20%, तो बताओ y कितना निकलेगा। तो चलो देख लेते y कितना निकलेगा। y इज इक्वल टू, सुनोगे ध्यान से, 2, तो 2 लिख दिया इंटू 20 लिख दिया, माइनस 8 कर दिया, आंसर कितना 32 आएगा। अच्छा सर, सर अच्छा और एक बार ट्रायल मारते, अगर ये फोर्थ, अगर सर ये 20 नहीं होता, अगर ये होता मान लो कुछ और ले लेते, ये होता 25, तो बताओ y क्या होता। या तो इक्वेशन यूज कर लीजिए या तो फिर कॉमन सेंस, ये 5 से बड़ा तो ये 10 से बढ़ना चाहिए, मतलब आंसर कितना आना चाहिए 42%। बिल्कुल, ये जितने से बढ़ता है डबल से बढ़ेगा। या इक्वेशन यूज कीजिए, और इक्वेशन में अगर मैं लिखूं तो बोलो बेटे x कितना 25, x कितना 25, तो बस यहां 25 लिखना है, आंसर आ जाएगा। चाहो तो चेक कर लो, 2 इंटू 25 माइनस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 42। इट मीन्स लीनियर, x के बढ़ने से y उसी रेशियो में उसी सिक्वेंस में बढ़ेगा, जैसे लीनियर इक्वेशन। और हमारे लिए काम का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना, मैं पोर्टफोलियो में मैं यूज करवाने वाला हूँ। कॉमन सेंस मैंने आपको बताया कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, जैसे इक्वेशन। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, हम चल रहे हैं पोर्टफोलियो पे। अब सुनोगे, हाँ हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियो पढ़ा था। एफिशिएंट का मतलब होता है हमें ऐसे पोर्टफोलियो की तलाश करना है, सेलेक्ट करना है जिसका आपस में कंपटीशन पॉसिबल हो। इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो को हम हटा देते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब समझोगे ध्यान से, सिचुएशन ये है और ये है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता था स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ लिखा जाता था एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर हम यहाँ कुछ एफिशिएंट फ्रंटियर बनाते थे, एफिशिएंट फ्रंटियर, और कुछ डॉट लगाते थे, यार ये डेविएशन और ये रिटर्न, तो एक डॉट यहाँ, कभी कभी यहाँ भी डॉट लगता था, इधर भी आता था, इधर भी, पर कुछ डॉट्स यहाँ भी यहाँ भी, मतलब हम पोर्टफोलियो बनाते थे। और फिर क्या करते थे, हम लाइन ड्रॉ करते थे, इस तरह से लाइन बनते थे, ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो की लाइन, इस तरह से। यहाँ तक ठीक है सर,
सर कहना क्या चाहते थे। और फिर ये वाला जो होता था ना, ये वाला, इसको हम यहाँ जो भी पोर्टफोलियो लाइक करता था यहाँ, उसको हम एफिशिएंट पोर्टफोलियो मानते थे। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और नीचे वाले जो होते थे उसको हम क्या बोलते थे, इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये, अब बिल्कुल ध्यान से बैठे, मैं ये देखिए, ये दिख रहा है एक पोर्टफोलियो, ये एक पोर्टफोलियो, ये एक, दिस इज एफिशिएंट। अगर मुझे सेलेक्ट करना तो मैं ये पोर्टफोलियो नीचे वाले क्यों सेलेक्ट करूँगा? सुनना सर, इसका और इसका, इसमें तो रिस्क ज़्यादा है ना, तो बेटे रिटर्न भी तो ज़्यादा है। इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी तो कम है। सर तो इस पोर्टफोलियो में क्या दिक्कत है? बेटे इस पोर्टफोलियो डेविएशन दोनों में सेम है, पर इसमें रिटर्न है तो मैं ये क्यों खरीदूँ, ये ना खरीदूँ? इट मीन्स ये वाला मेरा क्या होता था, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। रिविजन करवा रहा हूँ पर काम आएगा। अच्छा सर, अब सुनना, दिस इज मिनिमम वेरियंस, इसको बोलते थे मिनिमम, कम से कम वेरियंस रहेगा, कम से कम रिस्क में काम हो जाएगा, मिनिमम वेरियंस सेट। अब मान लो ये एक पोर्टफोलियो है जिसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, मान लो, और जेड भी हो सकता है। और इसमें ये मान लो तीन सिक्योरिटी है ए बी सी, इसमें भी तीन सिक्योरिटी ए बी सी। अब मैं जो कॉर्नर पोर्टफोलियो, कॉर्नर समझ रहे हो ना, ये कॉर्नर है, और जो कॉर्नर पोर्टफोलियो समझाने जा रहा हूँ उसमें एक बात समझना, उसमें क्या कहना है, उसमें ये मानना है कि ये जो है वेट जो है ये ऑप्टिमम है, वेट्स में हम चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर हम ए में पैसा लगा रहे हैं, इधर ये भी पोर्टफोलियो बनाए, ये भी पोर्टफोलियो बनाए, अगर हम ए में पैसा लगा रहे हैं तो अगर ए का वेट बढ़ाएंगे तो बी का भी वेट उसी रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, जैसे लीनियर चेंज करना पड़ेगा। जिस रेशियो में ए बी का वेट बढ़ेगा उसी रेशियो में सी का वेट बढ़ेगा, या बढ़ेगे ए में ज़्यादा पैसा लगाओगे तो बी में भी उस हिसाब से आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। किसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है? ए बी सी के वेट्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। यहाँ तक बात समझ भाई? सर डिटेल में चाहिए, मैं आपको ना लिख कर समझा रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से। ठीक है सर, चलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब काम की चीज़ें आप समझना ठीक से। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, बिल्कुल ध्यान से एग्जांपल समझना, नहीं तो वो जो मुश्किल क्वेश्चन है ना वो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है सर, चलो जी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो बेटे, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो का नाम लेते एक्स और वाई, और उसमें तीन स्टॉक है ए बी सी। और सर पैसा कितना है, वेट कितना है, इसका वेट, वेट है ये 0.4, 0.3, 0.3, ठीक है जी, हाँ सर। और इधर ले लेते हैं 0.3, 0.5 और 0.2। हमने दो टाइप का पोर्टफोलियो उठाया, दिस इज पोर्टफोलियो एक्स जिसमें कितने स्टॉक्स है, तीन ए बी सी, दिस इज मिनिमम वेरियंस है, मिनिमम वेरियंस सेट है ए बी सी। और एक निकाला वाई जिसका वेट, एक पोर्टफोलियो वाई और उसमें भी तीन स्टॉक है ए बी सी। ठीक, अब ध्यान से बस देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे, कि अगर मैं एक नया पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहा हूँ जिस पोर्टफोलियो का नाम है जेट, अब वेट को बिल्कुल फोकस करना, बिल्कुल यहाँ फोकस करना। सर जैसे जब हमने पोर्टफोलियो एक्स बनाया था तो वेट कितना था, 0.4, लेकिन जैसे वाई में गए तो वेट कम किया बिल्कुल, पर सर जो स्टॉक बी है उसका वेट था 0.3 तो उसका वेट बढ़ा दिया। हाँ अब काम की चीज, सर इसका मतलब ये हो गया, जैसे ही हम, बिल्कुल ध्यान से, स्टॉक ए का वेट कम करते हैं 0.1 से, तो वैसे ही स्टॉक बी का वेट बढ़ जाता है किससे, 0.2 से। यहां तक समझ में आ रहा? अब मेरा क्वेश्चन है, मान लो मैं यहां वेट रख रहा हूं 0.2, मन से लिखा 0.2, तो क्या इसका और इसका वेट बता सकते हो? कॉमन सेंस लगा के मुझे, कोई इक्वेशन में नहीं जाना।
अब सुनो मिठे, सुनो कॉमन सेंस सर लगाते हैं, दिमाग चलाते हैं। सर ये वन से बड़ा तो ये, सॉरी ये वन से कम हुआ तो ये टू से बड़ा, सर फिर ये वन से कम हुआ तो ये टू से बढ़ना चाहिए ना, सर तो ये आना चाहिए 0.7, और सर ये सीधे ये 0.2 है ये पॉइंट, और वेट का टोटल क्या होता 1, तो सर ये आना चाहिए 0.1, बात खत्म। इट मीन्स एग्जाम में क्या क्वेश्चन मांगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये दे दिया, ये दे दिया, अब आपसे बोल रहा है कि साहब ऐसा है कि अगर स्टॉक ए का वेट है 0.2 तो इन दोनों का बता दो, तो हमने इसी को देखकर बता दिया। पर पीएम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पहले उन्होंने क्रिटिकल लाइन लीनियर इक्वेशन बनाया, तो चलो सर हम बनाकर देखें कि लीनियर बिल्कुल सही मिट्टे, तो चलो हम लोग बना रहे लीनियर इक्वेशन। अब मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस मैनुअल को फॉलो, और हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। दिस इज क्रिटिकल लाइन, वैसे तो लाइन क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पर उन लोगों ने y को बोला है डब्ल्यू बी, वाई का मतलब डब्ल्यू बी, एम को m ही रख दिया, इसको x को ले लिया डब्ल्यू ए और प्लस c ले लिया, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, पहले डब्ल्यू बी कितना है 0.3 इज इक्वल, एम तो नहीं मालूम, 0.4 एम कर सकता हूँ, यस प्लस सी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसकी बात करो, 0.5 इज इक्वल टू 0.3 एम प्लस सी, चलो इक्वेशन नंबर वन ये हो गया, इक्वेशन नंबर टू ये हो गया, सी से सी कैंसिल कर दिया, तो ये तो माइनस में आ गया, माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.1 एम, तो एम इज इक्वल टू माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू माइनस 2, आना ही था माइनस 2, ये दिख रहा है ये तो माइनस 2 है बीटा, ये इतने से चेंज तो ये कितने से चेंज है, तो ठीक है सर। अब किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हम इस माइनस 2 को, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, 0.3 इज इक्वल टू 0.4 इंटू माइनस 2 प्लस सी, सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी क्या होता है, दिस इज इंटर, मैं पूरी तरह से मैथ्स में नहीं पढ़ाना चाहता आपको, नहीं तो सी की, सी जो है वो इंटरसेप्शन, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है क्रिटिकल लाइन वो है, पर मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा सकता। कितना है 0.4 इंटू 2 माइनस 0.8 प्लस सी, तो ये जाके ऐड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.3, तो आंसर आ गया 1.1। तो फाइनली लाइन क्या बनी हमारी, इम्पॉर्टेंट है, अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई वेट ऑफ B निकालने का, वेट ऑफ B इज इक्वल टू M तो हमारा निकला है, हमारा निकला हुआ है माइनस 2 इंटू वेट ऑफ ए प्लस 1.1, दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमको पुट करना है यहां और आंसर निकालना है। अब देखो वेट ऑफ ए हमको मालूम है, तो अब मैं निकाल रहा हूं वेट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वेट ऑफ ए कितना है 0.2 प्लस 1.1, आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं 0.2 इंटू 2 ये माइनस में है प्लस 1.1, तो बेटे ये आ गया 0.7, और वेट ऑफ सी निकालना, तो टोटल वेट होता 1, उसमें से ए का वेट हो गया 0.2, बी का हो गया 0.7, तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन, ठीक है सर। और आपसे क्या मांगेगा, आपसे बस यही वेट्स मांगना है, बाकी कुछ नहीं, वो एक ही क्वेश्चन के लिए इतनी सारी मेहनत है। सर एक बात ये है
कि अगर ये कुछ और होता, सपोज 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 बेटे सुनना ध्यान से, अब काम की चीज़ है सर, मान लो ऐसे ही होता ए बी सी और ये होता एक्स, ये होता वाई, ये पॉइंट फोर ही रहता, वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट थ्री रहता ओके, ये पॉइंट थ्री रहता, ये पॉइंट फाइव रहता और ये पॉइंट टू रहता। अब हमको एक जेड पोर्टफोलियो बनाना और हम वेट ए का बता दें, सर ए का वेट बताओ, सर ए का वेट बता दिया हमने मान लो 0.5, चलो 0.6 कर दिया। अगर हम इसका वेट 0.6, सुनना ध्यान से सर, सर ये कम होता है तो ये बढ़ता है, ओके जी, अब की बार तो ये बढ़ा है, सर इसको कम ही कर देते, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ा, एक सेकंड बेटे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लो 0.1 कर दिया। अगर ये 0.1 होता तो फिर क्या होता, जरा सोचते, ये 1 से तो ये किससे, 2 से, यही मतलब है हमारा, अब की बार ये 2 से तो ये किससे हो जाएगा, 4 से, तो इसका कितना आ जाएगा 0.9, तो इसका सर 0 आ जाएगा, और मैं और चेंज करना चाहता हूँ, इसको एक काम करता हूँ 0.6 ही कर देता हूँ। अगर ये 3 से बढ़ेगा तो ये 6 से कम हो जाएगा पक्का, तो 0.5 माइनस 0.6, तो सर ये तो माइनस 0.1 आ गया, और 0.6 माइनस 0.1 माइनस 1 और इसका आंसर आ गया 0.5। ये मैंने कॉमन सेंस से निकाला, बात को समझ रहा है, इस लाइन को यूज नहीं किया, लाइन को यूज करके बता दूंगा। सर देखिए, आप ही बोल रहे थे ये 1 से कम होता है तो ये 2 से बढ़ता है, डबल से, तो अगर ये 3 से बढ़ेगा तो ये तो कम हो जाएगा 6 से, और 6 से मैंने कम कर दिया तो माइनस में आ गया, तो हमारे हिसाब से आंसर ये, और ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि वेट का टोटल क्या होता है 1। सर इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, इक्वेशन में इसका माइनस 1 का मतलब भी मैं समझा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर इक्वेशन की बात करो, इक्वेशन हमारे पास है वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, तैयार हो, एम हमारे पास है क्या माइनस 2 इंटू 0.6 प्लस 1.10, देख लेते कितना आएगा, 2 इंटू 0.6 ये माइनस में है प्लस क्या होगा 1.10, तो आंसर आ गया माइनस 0.1। और वेट ऑफ सी कैसे, टोटल वेट का होता है 1, उसमें से माइनस करेंगे 0.6, ये ऑलरेडी माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा 0.1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0.50। सर माइनस में वेट है इसका मतलब क्या होता बेटे, इसका मतलब होता शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग समझते हो, माइनस में वेट का मतलब होता आप पैसा उठा रहे हो कहीं से या शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, ठीक। हमें एग्जाम में क्या पूछने वाला है, हमें एग्जाम में इसका वेट बता देगा और हमें इसका वेट पूछेगा, ठीक है जी। तो चले अब हम लोग क्वेश्चन बनाए, यस सर, अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आ जाते प्रैक्टिस में, उनका एक ही क्वेश्चन है उसी पे मैं, उसी को मैं करवा, हाँ बच्चों, तो अब क्वेश्चन ले रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। पहला पार्ट लिखा है एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो नोन टू बी मिनिमम वेरिएंस, इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेरिएंस का मतलब होता है वो जो एफिशिएंट फ्रंटियर पर जो लाइक कर रहा था ना वो वाला पोर्टफोलियो, सेट फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, अच्छा और कितना सिक्योरिटी है, 3 सिक्योरिटी ए बी सी, और पोर्टफोलियो एक्स उसका वेट दिया हुआ है 0.3, 0.4, 0.3 और पोर्टफोलियो वाई 0.2, 0.5, 0.3। इट इज सपोज दैट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल, इसका मतलब अगर वेट माइनस में आ जाए तो प्लीज चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। पहले वाले पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं है, बोल रहा व्हाट वुड बी द वेट्स फॉर ईच स्टॉक फॉर ए पोर्टफोलियो, आपने 5,000 रुपये पोर्टफोलियो एक्स में लगा रखा और 3,000 रुपये पोर्टफोलियो वाई में लगा रखा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो पहला पॉइंट ही जी है, लिखोगे मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ
वेरियंस। अभी क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास कितना सिक्योरिटी है, 3, ए बी और सी, पोर्टफोलियो एक्स। कितना रुपया लगाया है, 5000, और वेट आपको मालूम है तो सीधा सीधा 5000 इंटू 0.3 तो ये 1500 आ गया, 0.4 इक्वल टू ये 2000 आ गया, 0.3 इज इक्वल टू ये 1500 आ गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अच्छा, पोर्टफोलियो वाई 3000, तो 3000 इंटू 0.2 ये आ गया 600.5, 1500.3, 900। अब इन सबको जोड़ लेते, 1500 प्लस 600 तो ये आ गया 2100, और ये तो दिख रहा है 3500, और 1500 प्लस 900 ये आ गया 2400। तो भाई ऐसा है कि 2400 है, 8000 में 2100 रुपए ए में लगा है, बी में लगा है 3500, सी में लगा है 2400। तो वेट निकाल लेते हैं, तो वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाय 8000, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 8000, तो 2100 डिवाइडेड बाय 8000 आंसर आएगा 0.26। 3500 डिवाइडेड बाय 8000 इसका आंसर आएगा 0.44, एंड वेट ऑफ सी कितना, 2400 डिवाइडेड बाय 8000, 2400 डिवाइडेड बाय 8000 आंसर आएगा 0.30। ठीक, पहला पार्ट में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पहले पार्ट में बोला कि भाई इतना इतना पैसा लगाएंगे तो वेट्स बताइए। प्रॉब्लम किस में, प्रॉब्लम है दूसरे पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि मान लो, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, बोले 4000, बोले मान लो हम 4000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने रुपए में से, 8000, और किस में, सिक्योरिटी ए में। ये जो वेट दिख रहा ना, वो बोला कि मान लो हम एक नया पोर्टफोलियो बना रहा है और 8000 में से 4000 इन्वेस्ट कर रहा है ए में, मतलब 50%, सीधी सी बात है, यहां कितना 50% 0.5। तो बोल रहा है कि बताइए इसका और इसका वेट क्या आएगा, चाहो तो कॉमन सेंस से लगा सकते हो, कॉमन सेंस कैसे लगेगा, दिख रहा है यहां से, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, लीनियर है वेट में, लीनियर और कॉमन सेंस से लगेगा। सर ये 1 से कम होता है, ओके, तो सर ये 1 से बढ़ता है, नेगेटिव, तो सर अगर ये 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 3 से बढ़ा, ओके, तो सर ये जो है ये 3 से कम होना चाहिए, बात खत्म करो, तो सर इसका वेट आएगा 0.2 और इसका वेट आएगा 0.3, दैट्स इट, खत्म। लॉजिक के साथ अगर लीनियर रिलेशनशिप तो ये दिख रहा है, पर फिर भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ेगा, तो आओ बेटे प्रैक्टिस मैनुअल से जैसे कर दो, चलो तैयार हो। तो अब हम ड्रॉ करेंगे क्रिटिकल लाइन, क्रिटिकल लाइन। इक्वेशन क्या है हमारी क्रिटिकल लाइन के, सर हमको मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, बिल्कुल, y का मतलब हमको मालूम है दिस इज वेट ऑफ b इज इक्वल टू एम का एम ही रहेगा, वेट ऑफ ए प्लस बी, नहीं यार ये सी आएगा ना, सी कॉर्नर सी, चलो ये इक्वेशन है इससे बनाते, वेट ऑफ बी कितना 0.40 इज इक्वल टू 0.30 एम लिख दूं प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये 0.50 इज इक्वल टू 0.20 एम प्लस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, ये तो कट गया, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया। एम इज इक्वल टू माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, तो एम इज इक्वल टू क्या आया, माइनस वन। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं, तो 0.40 इज इक्वल टू 0.30 इंटू माइनस वन प्लस सी, तो 0.40 इज इक्वल टू माइनस 0.30 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 0.70। तो फाइनली इक्वेशन अब हमारी तैयार हो चुकी है, और इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक, एम कितना निकला था माइनस वन, वेट ऑफ ए इंटू माइनस वन प्लस सी तो हमारा निकल चुका है 0.70। ये हमारी अब इक्वेशन बनी, ठीक है यहाँ तक, ओके सर। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, अब हमें वेट ऑफ ए मालूम है क्या, यस, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू बोले 4000 रुपये लगाएगी किसमें से, 8000 में से, तो कितना आ गया 0.5। क्या निकाल सकते वेट ऑफ बी, क्योंकि ये हमको मालूम है 0.5 इंटू क्या कर दोगे माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा 0.70, तो वेट ऑफ बी भी आ जाएगा 0.7 माइनस 0.5, ये तो इजी है, 0.2। और वेट ऑफ सी भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेट होता 1, उसमें से माइनस करोगे वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ सी, ठीक है। तो फाइनली वेट ऑफ ए कितना आया, वेट ऑफ ए 0.5, वेट ऑफ बी 0.2 और वेट ऑफ सी 0.3। तो अब इन्वेस्टमेंट कितना कितना होगा लिख लेते हैं, ए में कितना इन्वेस्ट निकला, 8000 का 0.5 तो कितना रुपए 4000, बी में कितना लगाओगे 8000 का 0.2 1600, और सी में कितना लगाओगे 8000 का 0.3 2400। दिस इज द आंसर। तो साहब थोड़ा सा मुश्किल है समझाने में, समझने में थोड़ा सा मैथ्स वैथ्स इन्वॉल्व है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ मैं नहीं समझा पाया, क्योंकि इसमें स्पेशली पर आपको याद रखना पड़ेगा दिस इज ऑप्टिमल वेट का मतलब होता है हम उन वेट्स को चेंज नहीं कर सकते, अगर हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है उससे ज़्यादा पैसा लगाना था, वही पोर्टफोलियो बनाया कैसे होगा, देखा होगा किसी में नेगेटिव कोरिलेशन है तो उस हिसाब से पैसा लगाया होगा, तो बोले आगे भी उसी वेट्स को आपको मेंटेन करते हुए चलना है चाहे आप जितना भी पैसा लगाओ, तो उस हिसाब से एक बनाया गया एकमात्र क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल में, तो प्लीज देखकर चले जाइएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देखकर चलिए। थैंक यू।